नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर में लगातार बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के भवरकुआं थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां मारपीट में फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के भवरकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां संदीप तोमर उर्फ मोंटी तोमर जहां भवरकुआं थाना क्षेत्र के पास पालता का रहने वाला है, बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं थाने में बदमाश पर मारपीट के मामले में फरार चल रहा था, पुलिस ने आरोपी को कल गिरफ्तार किया है। बदमाश के द्वारा चाकूबाजी की घटना की गई थी, जिसके बाद से ही बदमाश लंबे समय से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। ये आरोपी संदीप तोमर उर्फ मोंटी तोमर ये पालदा भवरकुआं थाना क्षेत्र के पालदा उद्योग नगर का रहने वाला था। काफ़ी आपराधिक प्रकरण है इसके और मैं NSA में भी ये निरुद्ध था। थाना के दो अपराध धारा 327 के दो अपराधों में ये फरार चल रहा था काफ़ी दिनों से। कल दिनांक को इसको गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय भेजा गया है। क्या किया था सर इसके साथ में? इसके द्वारा एक चाकूबाजी की घटना की गई थी, उसमें ये फरार चल रहा था। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और